क्या बदल जाएगी दिल्ली की बिजली सब्सिडी योजना? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब। दिल्ली सरकार की अपनी बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है और ये उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार के किसी भी प्रतिबंध के बिना जारी रहेगी। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे। DERC ने इस साल 6 जनवरी को परामर्श ये कहते हुए वापस ले लिया कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पिछले हफ्ते दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा है कि वो बिजली विभाग को DERC का परामर्श मंत्री परिषद के समक्ष रखने के निर्देश दे और इस पर 15 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए। आतिशी ने कहा दिल्ली सरकार 2400 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि हाल ही में बताया गया सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है। उपराज्यपाल को शायद गलत जानकारी दी गई क्योंकि DERC ने अपने वैधानिक सलाह वापस ले ली है। हालांकि राजनिवास के सूत्रों ने बताया है कि उपराज्यपाल ने अपने किसी भी बयान में आप सरकार को सब्सिडी वापस लेने का सुझाव या अनुरोध नहीं किया है। सूत्रों ने बताया उन्होंने बार बार कहा है कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों के वजह गरीबों को दी जानी चाहिए जो पात्र है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गरीबों को सब्सिडी देने के नाम पर बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा यदि उपराज्यपाल ये बात रिकॉर्ड में कहते हैं तो हम उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उपराज्यपाल को अपने संवैधानिक पद की कोई समझ नहीं है।